Good morning to everyone. Now I am going to start lecture is valve types. In last lecture, we have seen about the control valve construction and a basic brief about the types of control valves. Now today I am going to explain about the valve types. So valve types are having a different different types of valve types are explained in different manners. In this one, we will discuss about the types of valves based on plug or disc shape. In this one, most popular are pinch valve, diaphragm valve, butterfly valve, gate valve, globe valve, ball valve, needle valve, check valve. So today we will discuss about these valves one by one detailedly. So let we start our lecture first with the pinch valve. So pinch valve is the simplest valve in the construction. अगर इसका construction देखा जाता है तो बहुत simple है, बाकी सारे valve से compare करेगा तो ये valve जो है linear motion valve है. अगर इस valve के अंदर पूरा construction में देखा तो mainly two major parts रहता है. One is flexible tube और एक throttling device. Simply कहना है तो एक clamp है जो आपका flex tube को on off करने के लिए help करता है. ये flexible tube जो है mostly synthetic rubber से बनाते हैं, जो rubber जो है corrosive resistance होता है और high temperature withstand के जैसा use कर सकते हैं. जैसा आपने आपका right side में देख सकते हैं diagram में top most diagram जो है pinch valve का diagram है, जहां आपका construction में दिखाया रहा है एक rubber sheet है और एक क्लैंप दिखा रहा है. जैसा आपने क्लैंप से क्लोज करेंगे तो ये लबर शीट जो है वाल को ऑन ऑफ करेगा. ओके, सो यहाँ ये मोस्टली ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए ज्यादा यूज करते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा हमारा खेती बाड़ी में गांव में ज्यादा ये वाल दिखता है. इंडस्ट्री में जहां फिलिंग सिस्टम्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, जहां इस वाल को ज्यादा यूज करते हैं. इस वाल के अंदर just you can see here the diagram, it is having a one clamp type arrangement. So this type of arrangement will be helpful for quick installation and removing. Our glass type pipelines ko bhi install karne mein ye structure bahut helpful hai. Aur isme flange type arrangement milega, jaisa aapne body pe dekh sakte hain ki thoda aapka flexible tube ko mold karenge pura flange arrangement mein. So this flexible tube will help as a leakage resistant gasket jaisa bhi kaam karta hai. As well as इसके पीछे फ्लैंज अरेंजमेंट रखने के वजह से आपको इंस्टॉल करने में पाइपलाइन में इंस्टॉल करने में भी आसान होता है. सो इस फ्लो लाइन में यहां देखा जाता है तो ये वॉल्स जो है स्ट्राइट थ्रू फ्लो वॉल्स है. तो जहां आपका ज्यादा से ज्यादा बेंड ना होने की वजह से कोई बीच में नीचे से पानी चढ़ के ऊपर जाने का जो कुछ प्रॉब्लम ना होने की वजह से इसके अंदर हेवी स्लरिश पार्टिकल्स भी आसानी से फ्लो होता है. सो मैक्सिमम पाइप डाया का जितना साइज का है उतना साइज का स्लरिश मटेरियल्स को भी ये बहुत आसानी से हैंडल करता है. ये मोस्टली सुटेबल आइडियली सुटेबल मतलब आइडियली जनरली हमको सुटेबल होता है स्लरिश लिक्विड्स के लिए. जिस लिक्विड के अंदर ज्यादा से ज्यादा कचरा हो, यानी तो मोस्टली स्लरिश लिक्विड्स बोलते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और उन सिस्टम में इसको ज्यादा यूज करते हैं. जहां आपका फ्लो लाइन में करोजिव मटेरियल्स और मेटल्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए भी ये टाइप ऑफ फ्लो मेटल्स बहुत अच्छा है. यहाँ साइड में आप डायग्राम में देख सकते हैं, प्रीवियस डायग्राम में हमने देखा था फुल्ली डोमेस्टिक अप्लायंस एंड फार्मर एप्लीकेशंस के लिए जो होता था रबर ट्यूब यूज करके बनाया हुआ था. यहाँ देखते हैं तो ये थोड़ा इंडस्ट्रियल लुक है दोनों डायग्राम में, जहां आपका फ्लेक्सिबल ट्यूब के ऊपर पूरा आपका प्रोटेक्टिंग लेयर है और आपका हैंडल करने के लिए आपको वाल का पूरा अरेंजमेंट भी अवेलेबल है. ओके, तो यहाँ नीचे डायग्राम में देख सकते हैं जब ये वाल फुल्ली ओपन होगा, तो जब फ्लो स्ट्रीम कैसा फुल्ली आपका पाइपलाइन का मैक्सिमम लाइन को ओपन है नीचे वालों में देखेंगे तो आपको देखे यहाँ जब शट ऑफ करेंगे प्लग को मूव करेंगे इधर से. सो ये क्या करेगा, जस्ट आपका जो प्लग जो है आपका रबर शीट को दबा देता है तो लिक्विड को टाइट शट ऑफ करेगा, लिक्विड को टाइट शट ऑफ करेगा.
सो इसके वजह से आपको क्या होता है, इसमें कोई भी लिक्विड पास नहीं होगा. ओके, नीचे वाला डायग्राम में जैसे देख सकते हैं कि ये पूरा टाइट शट ऑफ है. ये पिंच वाल्व का एडवांटेज ये है सेल्फ क्लीनिंग टाइप है, क्योंकि यहां आपका जितने भी वाल्व है ये टोटली एंटायर फ्लो स्ट्रीम, जो वाल्व के अंदर एंटायर फ्लो स्ट्रीम है पूरा रबर से भरा हुआ है. जब अगर आपने ये प्लग को आप मूव करते हैं तो इसके अंदर कुछ भी स्केलिंग होगा जो पाइप ट्यूब के ऊपर, अगर आपका स्लरिश के वजह से और फ्लो मूवमेंट स्लो होने की वजह से कोई भी मेटल या कोई भी मेटेरियल उसके ऊपर स्केलिंग होता है. सो जब आपने इस प्लग को वाइब्रेट करने के जैसा क्विक ऑपरेशन करते हो, फास्ट ओपन करके फास्ट क्लोज करते हो, तो वो वाइब्रेशन के वजह से इसके ऊपर जो स्केलिंग है वो ब्रेक होके फ्लो स्ट्रीम में चले जाता है. और सेकेंड चीज, आपका फ्लो लाइन में कोई भी प्लग इंसर्ट नहीं है. सो प्लग इंसर्ट ना होने के वजह से खरजू फ्लोस के लिए, यानी तो हाई टेम्परेचर फ्लोस के लिए, हाई स्लरिश पार्टिकल्स के लिए बहुत अच्छा है. ओके, और इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है. जैसा आपका ग्लास ट्यूब है या फ्लैंज अरेंजमेंट है, यहाँ नीचे सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं जहां आपका ग्लास ट्यूब अरेंजमेंट के लिए क्लैंप अरेंजमेंट दिया हुआ है, यहाँ पाइपलाइन में आप देख सकते हैं, और जहां आपका फ्लैंज एंड है तो उसको कनेक्शन करने के लिए भी इसको प्रोविजन है. तो नो डाउट, अभी बताया मैंने, कनेक्शन विद द गैस पाइप इज इजी. ओके, नो नीड पाइप थ्रेडिंग, इसके अंदर कोई पाइप थ्रेडिंग का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सीधा क्लैंप से आप लगा सकते हो. और सेकेंड चीज, आप इसको चाहे तो फ्लैंज एंड वाला भी कनेक्ट कर सकते हैं. नो मेंटेनेंस, इसके अंदर कोई भी ऐसे पार्ट्स नहीं है जो आपका प्लग को क्लीन करना है, सीटरिंग को क्लीन करना है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट कोई नहीं है. सीधा आपने इसमें सेल्फ मेंटेनेंस वाला है ये, इसको मेंटेनेंस ज्यादा नहीं लगता है. ड्यू टू द वियर प्रेशर मिनिमम टाइम टू चेंज, मतलब इसमें कुछ चेंज करने का कुछ नहीं. लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेजर पार्ट्स नहीं है और क्रिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, और इसके अंदर जितने भी पार्ट्स यूज किया है एक इनएक्सपेंसिव वाला है, इसके वजह से इसका कॉस्ट सस्ता होता है. और इसके अंदर कोई मूवेबल पार्ट्स नहीं है, जो फ्लेक्सिबल ट्यूब भी आपका फ्लो स्ट्रीम में आता है, इसको बाहर से हमें प्लग से दबाते हैं तो यहाँ मूवेबल पार्ट्स कुछ नहीं है, ताकि आपका फ्लो लाइन में कोई हाई टेम्परेचर की वजह से, करोजिव लिक्विड की वजह से मेरा प्लग डैमेज होगा, यानी तो मेरे टेम्परेचर की वजह से प्लग के अंदर कैविटी क्रिएट होगा, ऐसा कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है. डिसएडवांटेज, इसके अंदर हमें मोस्टली फ्लो स्ट्रीम के अंदर जो कॉन्टैक्ट आने वाला है वो रबर ट्यूब है. सो रबर ट्यूब जो है मोस्टली हाई टेम्परेचर का और प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर सकता है. अगर ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर देते हो तो ये डैमेज होने के चांसेस है. सेकेंड, एजिंग की वजह से रबर ट्यूब जो है डैमेज होता है, ये तो हमको मालूम है. इनको हमें गैस पाइपलाइंस में ज्यादा यूज नहीं कर सकते जहां हाई प्रेशर होते हैं. इसके वजह से आपका जो फ्लेक्सिबल ट्यूब है पिंच वाल्व का वो फूलने के चांसेस है, लीकेज करने के चांसेस है. इसके लिए इसको हमें गैस पाइप फ्लो एप्लीकेशंस में ज्यादा यूज नहीं करते. इसको मोस्टली हमें स्लरिश एप्लीकेशंस में और जहां ऑन ऑफ करना है, टाइट शट ऑफ करना है, लो कॉस्ट एप्लीकेशन में यूज करना है, इसको यूज कर सकते हैं. तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका स्लो से छोटा सा मॉडिफिकेशन वाला है, दैट इज डायफ्राम वाल्व. सो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये सिमिलर टू द पिंच वाल्व ओनली, मगर पिंच वाल्व पूरा एंटायर इनलेट से लेके आउटलेट तक आपका टोटली एक इलास्टिक मटेरियल या रबर ट्यूब हमें इंसर्ट करके ऑपरेट करते हैं. यहां आप देखते हैं ऊपर डायग्राम में देखेंगे, इसके अंदर पूरा बॉडी जो है कास्ट आयरन यानी तो कुछ मेटल बॉडी से बना हुआ रहता है. जस्ट जहां आपका प्लग लगा हुआ है ऊपर आप डायग्राम में देख सकते हैं डायफ्राम मेंशन किया हुआ है. इट इज एन इलास्टिक मटेरियल जो आपका रबर वहां उस प्लेस में ही इंसर्ट किया हुआ रहता है. ओके, इसको सैंडर्स प्लेट वाल्व भी बोल के कहते हैं. ये भी लीनियर मोशन वाल्व है. इसके अंदर जो है आपका प्लग और डिस्क जो है फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ रहता है, जो आपका सीट पे जहां आपने ऑन ऑफ करने की वजह से आपका सिटिंग पोजीशन में, जहां देखिए सिटिंग पोजीशन में जाके वो बैठता है. ओके, सो इसके वजह से इससे टाइट शट ऑफ मिलेगा. इट इज टोटली इनक्लोज्ड इन मेटल एडिशन सेफ्टी ऑपरेशंस, मतलब इसके अंदर जो है पूरा मेटल केसिंग के अंदर लगा हुआ रहता है, तो इसके वजह से आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है. ये वाल मोस्टली मैनुअल ऑपरेशन और ऑटोमेटेड ऑपरेशन में यूज करते हैं. इंडस्ट्री में मोस्टली मैनुअल ऑपरेशन में यूज करते हैं, वहां ऑन ऑफ भी इसका मेन एप्लीकेशन है. मगर ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ ओनली मैनुअल ऑपरेशन अवेलेबल है, इसका ऑटोमेटेड ऑपरेशन भी मिलेगा, ताकि आपको कोई कंट्रोलर से इसको ऑपरेट कर सके. जहां आपका राइट साइड में नीचे बॉटम में दो फिगर्स देखे, जो पहले फिगर दिखा रहा है वो है मैनुअल ऑपरेटेड है,
दूसरा फिगर जो दिख रहा है, डायफ्राम जो है वो डायफ्राम का जो है प्लग कनेक्टेड है, ऊपर न्यूमेटिक एक्चुएशन दिया हुआ है, ताकि आपने अगर न्यूमेटिक कंट्रोलर है यानी तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है थ्रू I2P इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, ताकि इसको सिंपली आप इलेक्ट्रॉनिकली कहीं रिमोट लोकेशन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वी कैन सी द नेक्स्ट वन. ये वाल्व्स को मोस्टली केमिकल इंडस्ट्रीज को ध्यान रखते हुए बनाया हुआ है. पिंच वाल्व का जो है केमिकल इंडस्ट्रीज में जहां गैसेस वगैरह ज्यादा फॉर्म होता है वहां इसको यूज नहीं कर सकते हैं हमें. इसके वजह से यहाँ इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इसका बॉडी पे पूरा मेटल करके सिर्फ एक आपका प्लग पॉइंट को एक को इसको इलास्टिक मटेरियल करके रखा हुआ है. सो ये जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में स्लरिश फ्लूइड्स को आसानी से हैंडल करने के लिए विद सॉलिड पार्टिकल्स का चलता है. फ्लैंज डायफ्राम वाल्व्स अवेलेबल फॉर रबर प्लास्टिक एंड ग्लास पाइप्स. अगर आपको चाहे तो इसके अंदर अरेंजमेंट जो है आपको गैस ग्लास पाइपलाइंस के लिए भी, प्लास्टिक पाइपलाइंस के लिए भी, रबर पाइपलाइंस के लिए भी अवेलेबल है. इट इज नॉट हैविंग एनी हाई फिनिश्ड मटेरियल फेसेस आर सीट्स. इसके अंदर जो सीटिंग पोजिशन में और प्लग में कोई भी हाई फिनिशिंग मटेरियल नहीं है, जस्ट एक इलास्टिक रबर मटेरियल है. सो इसके वजह से इसके अंदर ना वियर या करोजन या जामिंग और लीकेज और डिस्टॉर्शन नहीं आएगा. जैसा आपने लिक्विड मूव कर रहे हैं, कोई भी आपका हाई फिनिशिंग मटेरियल्स है, सो हाई स्लरिश पार्टिकल्स कुछ आता है तो वो फंस जाएगा, तो वहां एरिया अवेलेबल नहीं है तो क्लियर नहीं होता है, ऐसा बोल के नहीं है. क्योंकि यहाँ आपको जो है प्लग पोजिशन में हमें यूज कर रहे हैं एक रबर शीट है, डायफ्राम यूज कर रहे हैं. ये क्या होता है, इट इज ए फ्लेक्सिबल मटेरियल है. जैसा आपने थोड़ा भी एडजस्ट करते हैं या हाई प्रेशर लिक्विड फोर्स के वजह से कोई अटका हुआ स्लरिश पार्टिकल भी आसानी से फ्लो लाइन में मूव होके जाता है और कोई करोजिव होने के चांसेस नहीं. जैसे केमिकल एसिडिक फ्लूइड्स वगैरह कुछ आप इससे पास करते हैं, हाई टेम्परेचर फ्लूइड्स कुछ पास करते हैं ताकि मेरा प्लग डैमेज होगा वगैरह, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं. या डैमेज होगा तो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा लगेगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है. क्योंकि यहाँ हमने यूज करने वाला लो कॉस्ट रबर शीट यूज कर रहे हैं और आपको उसको ऑपरेट करने वाला प्लग जो है आइसोलेट होगा थ्रू द रबर शीट. सो इसमें आपका ऐसा कोई डैमेज नहीं होगा. ये वाल्व्स मोस्टली आपका लार्ज साइज होगा तो 50 PSI प्रेशर तक हैंडल हो सकता है और स्मॉल साइज होगा तो इसका कैपेसिटी बढ़ता है क्योंकि आपने मोटा सा रबर शीट है इसमें यूज कर सकते हैं. स्मॉल साइज होगा तो उसका 100 PSI तक भी इसको छोटा वाल्व में प्रेशर रेटिंग तक आप यूज कर सकते हैं. ओके ये वाल्व्स अगर आपने कंपेयर करेंगे कोई ग्लोब वाल्व या प्लग वाल्व से कंपेयर करेंगे सो ये 2 गुना ज्यादा आपका पाथवे को क्रिएट करता है, 2 गुना ज्यादा पाथवे को क्रिएट करता है. इसके वजह से आपको मोर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हैंडल कर सकते हैं देन ग्लोब वॉल और प्लग वॉल. यहां डायग्राम में देखिए जस्ट आपका 2 डायग्राम, ऊपर एक डायग्राम और नीचे एक डायग्राम दिखा रहे जस्ट इसका वर्किंग समझने के लिए. ऊपर वाला जो है आपका मैनुअल ऑपरेटेड वॉल्व है, नीचे वाला जो दिख रहा है ये सोलनॉइड ऑपरेटेड वॉल्व है. मगर हमारा यहाँ एक्चुएटर के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ डायफ्राम फंक्शन के बारे में जानना है. तो यहाँ देखिए जब ये क्लोज होगा ये कैसा होगा, ऊपर वाला डायग्राम में और नीचे वाला डायग्राम में देखिए, जब ये आपका प्लग आप मूव करते हैं एक्चुएटर से सो वो जाके क्या करता है, डायफ्राम को दबाता है और वो डायफ्राम जाके जस्ट सिंपली सिटिंग पोजीशन में बैठ जाता है. इसके वजह से क्या होता है, नीचे डायग्राम में ऑब्जर्व करो, जस्ट लिक्विड पूरा टाइटली शट ऑफ है, इसके वजह से लिक्विड बाहर नहीं आता है. ओके जब आपने इसका प्लग ऑपरेट करते हैं तो ये ओपन होगा, जब आपका डायफ्राम जो है खुल जाता है तो लिक्विड जो है आपको पास करता है. इस चीज को जब ओपन होता है ऊपर डायग्राम में नीचे डायग्राम में देख सकते हैं. मोस्ट ऑफ द सोलनॉइड वाल्व्स के अंदर आपको ये डायफ्राम टाइप वाल्व्स को ही ज्यादा दिखाते हैं ऑपरेट करते हैं. सोलनॉइड वाल्व अगर आप डिसमेंटलिंग करते हैं जहां सिटिंग पोजिशन में आप देखते हैं तो जहां आपका डायफ्राम ही इंसर्ट किया हुआ रहता है, जो प्लंजर उसके ऊपर एनर्जाइज डी एनर्जाइज होके ऑपरेट होते रहता है. ओके I hope you all are understand up to these 2 valves. Now we can go for the advantages disadvantages of diaphragm valve. So ये valve mostly जो है inlet outlet को अच्छे से isolate करता है, advantages में देखा जाता है तो, और ये leakage को prevent करता है और इसके अंदर आपको जो भी special packings या gland seals use करने की जरूरत नहीं है leakage arrest करने के लिए. क्योंकि जहां सीटिंग में बैठने वाला डायफ्राम इटसेल्फ इज ए गुड प्रिवेंटर फॉर द लीकेज. सो यहां आपका
जो है विदाउट पैकिंग्स, एक्स्ट्रा पैकिंग्स और ग्लैंड्स यूज बिना यूज करके इसके अंदर लीकेज को आप अरेस्ट कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस, द डायफ्राम बिकम मोर वियर और इजिली एंड रेगुलर मेंटेनेंस इज नेसेसरी. सो यहाँ डायफ्राम जो है जल्दी डैमेज होने के चांसेस है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत जरूरत है. अगर आपने सॉलिड वॉल को ऑपरेट करके देखते हैं, अगर उसके अंदर कुछ स्लरिश पार्टिकल का ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इसके इनलेट नीचे से आके ऊपर आता है, अगर आपका फ्लो स्ट्रीम स्लो है, अगर उसमें स्लरिश पार्टिकल्स है, तो स्लरिश पार्टिकल जाके वो नीचे जो है जम जाता है. इसके वजह से क्या होता है, आपका फ्लो लाइन जो है ओपन नहीं होगा. हम थ्योरेटिकली बोलते हैं कि इसके अंदर स्लरिश पार्टिकल अच्छे से हैंडल होगा बोल के, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि आपका फ्लो लाइन जो है हाई प्रेशराइज्ड या हाई फ्लो रेट वाला होगा, तो आपको क्या होता है स्लरिश आसानी से मूव होता है. अगर स्लरिश उधर जम गया, इवन आप हल्का सा उसको ऑपरेट करने के लिए कोशिश करते हैं, तो लिक्विड उसके अंदर फ्लो नहीं होगा. सो दिस मीन्स इसके में इसके ये समझाता है कि हमको स्लरिश पार्टिकल्स अगर आप हैंडल कर रहे हैं, स्लरिश पार्टिकल्स अगर आप हैंडल कर रहे हैं, तो फ्लोरेट ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर फ्लोरेट कम है तो आपको यहाँ मेंटेनेंस वगैरह प्रॉब्लम्स आता है. दिस टाइप्स ऑफ वॉल्स जो है डायफ्राम होने के वजह, फ्लेक्सिबल रबर मटेरियल यूज करने की वजह से हाई टेम्परेचर लिक्विड, हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड्स के अंदर इसको यूज करना ठीक नहीं होता है. These types of walls are generally not suitable for the very high temperature fluids and mainly used in liquid systems only. Okay. Next we can see butterfly wall. हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं. Butterfly walls जो है industry में ज्यादा high बड़े बड़े pipeline sizes में इसको ज्यादा दिखता है, जहाँ कचरे पानी वगैरह flow handle करते हैं, on off condition में जहाँ है ये butterfly wall हमको दिखता है. अभी तक हमने दोनों वाल जो देखा है वो लीनियर मोशन वाल्स है. अभी ये जो वाल हम देख रहे हैं दिस इज रोटरी मोशन वाल्व है. ओके, इसको मोस्टली ऑन ऑफ एप्लीकेशन इंडस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं. इसको बटरफ्लाई वाल्व इसीलिए कहते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा डिस्क जो है आपका स्टेम के ऊपर सपोर्टिंग पे सेंटर में कनेक्ट करके रखा हुआ रहता है. अगर आप इसको देखेंगे हमारा तितली के जैसा विंग्स फैला हुआ फ्लो लाइन में दिखता है. दैट्स व्हाई इट इज वी कैन से एज ए बटरफ्लाई वाल्व. ओके, सो ये वाल हैविंग ए डिस्क आर प्लेट रोटेटिंग ऑन द शाफ्ट हाउसिंग, मतलब एक शाफ्ट के ऊपर रोटेट होते हाउसिंग के अंदर घूमते रहता है. इसको मोस्टली हमें यूज करते हैं जहां लार्ज साइजेस होगा, जैसे 16 इंच पाइप साइज ऐसा होगा और इनलेट आउटलेट में फ्लो प्रेशर कम होगा, तो हाई प्रेशर होगा फ्लो लाइन में या फ्लो स्ट्रीम का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये लीकेज करने के चांसेस है. तो हाई प्रेशर फ्लो लाइन्स में ये यूज नहीं करते हैं. ओके, लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड्स जो है उसके हाई प्रेशर नहीं होगा, वहां इसको यूज नहीं करते हैं. इसके अंदर स्लरिश पार्टिकल्स को भी हैंडल करने में, सेमी स्लरिश पार्टिकल्स हैंडल करने में आसान है. अगर स्लरिश पार्टिकल्स हेवी होगा, मोटे होगा, तो ये स्ट्रक होना या नहीं तो आपका सिस्टम को लीकेज करना चालू करता है. ओके, मैनुअल ऑपरेटेड वॉल्स जो है स्मॉल फ्लूइड्स को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं. ओके, अगर आप लार्ज साइज होगा तो वो मैनुअल ऑपरेटेड वाल्व को हमने मोटराइज्ड करके रखते हैं, या नहीं तो उसके एक गियर मैकेनिज्म डाल के उसको ऑपरेट करने के लिए देखते हैं. इसका बॉडी मोस्टली कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है, जो आपका फ्लो स्ट्रीम में 120 psi तक ये विथस्टैंड कर सकता है. अगर स्टीम फ्लो होगा अप टू 50 psi तक ये हैंडल कर सकता है. और अगर ये वाल्व देखते हैं तो इसका जो डिस्क जो है, आपका बाजू में डायग्राम में देख सकते हैं, जो डिस्क है मोस्टली स्टील से बनते हैं, स्टेनलेस स्टील से बनता है, ग्राफाइट से बनाते हैं या कैस्ट आयरन से भी बनाता है अगर सस्ता बनाना है तो. ओके, सो इट डिपेंड करता है आपने किस प्रकार का फ्लूइड को यूज कर रहे हैं. अगर नॉर्मल फ्लो है स्लरिश फ्लूइड से कैस्ट आयरन प्रिफरेबल है, क्योंकि सस्ता होता है. ओके, अगर आपका हाई स्लरिश फ्लूइड से और करोजिव से और हाई टेम्परेचर का है तो स्टेनलेस स्टील वगैरह हमें प्रिफर करते हैं. ये वाल मोस्टली बटरफ्लाई वाल्स हम सर्कुलर शेप्स में देखते हैं, मगर ऐसा ये नहीं है कि आपको सर्कुलर शेप ही डिस्क होना चाहिए. इसमें रेक्टेंगुलर शेप डिस्क आल्सो अवेलेबल है, मगर बहुत कम इंडस्ट्री में यूज करते हैं. और ये वाल्स को हमें कंट्रोल सिस्टम में, मतलब ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, लीनियर कंट्रोल एप्लीकेशन में इसको यूज नहीं करते हैं. इसको प्रिफर करते हैं जहां फ्लो लाइन का प्रेशर कम है और लार्ज पाइप डायमीटर है,
जहां लीकेज होगा तो भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, वहीं इसको प्रीफर करते हैं, अदरवाइज इसको प्रीफर नहीं करते हैं। अगर फ्लो लाइन का प्रेशर ज्यादा होगा तो लीकेज करेगा, स्लरिश पार्टिकल्स होगा तो लीकेज करने के चांसेस है, और स्मॉल साइज वाले में ये इतना इफेक्टिव नहीं है। इस जगह पे हम बाल वाल वगैरह इसको प्रीफर कर सकते हैं। ओके, इससे ज्यादा आपका फ्लो लाइन एरिया मिलता है तो वो बेटर होता है। ओके, अभी हम देखते हैं कि बाल वाल का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। बाल वाल जो है फ्लो लाइन में, जैसा आपका फुल्ली क्लोज होता है और फुल्ली ओपन होता है, तो जहां फुल्ली ओपन होगा अब्स्ट्रक्शन जो डिस्क जो है फ्लो लाइन में स्ट्राइटली हॉरिजॉन्टली आ जाता है, इसके वजह से क्या है कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। ओके, और इसका जो कंस्ट्रक्शन सिंपल होने की वजह से इसका वेट कम होता है, ये बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज होता है, छोटा होगा वेट कम होता है बाकी वाल से कंपेयर करेगा तो, कॉस्ट भी सस्ता होता है। इवन ये लीकेज करता है तो भी इंडस्ट्री में इसको ज्यादा प्रीफर करने का यही रीजन है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है, और करोजिव लिक्विड्स के लिए और केमिकल लिक्विड्स के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। इसका मेन डिसएडवांटेज है नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर लाइंस बिकॉज लीकेज, हाई एक्यूरेट डिफिकल्ट टू क्लीन। अगर इसका मेंटेनेंस वगैरह कुछ होता है तो आपका प्लग वगैरह स्ट्रक हो जाता है तो उसको क्लीन करना और मेंटेनेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, थ्रोटलिंग एप्लीकेशंस के लिए नहीं चलता है, जहां फुल्ली टाइट शट ऑफ करके आप होल्ड करना चाहते हैं तो थ्रोटल करने वाले में ये नहीं चलता है, इतना अच्छा प्रिफरेबल नहीं है। ओके, कैविटेशन होने का और चोकअप होने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि प्लग डायरेक्टली केमिकल लिक्विड को कॉन्टेक्टेड है। अगर स्लरिश पार्टिकल्स होगा अभी ऑलरेडी बताया हमने, और इसके अंदर जो स्लरिश पार्टिकल्स होगा और हाई प्रेशर लाइंस होगा तो लीकेज ऑटोमेटिकली करेगा। अगर हम लो सस्ता वाला वाल्व बटरफ्लाई वाल्व को देखते हैं तो इसमें क्या होता है बॉटम गाइडिंग नहीं होता है, तो बॉटम गाइडिंग नहीं होगा सो ये क्या करेगा टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, लीकेज क्रिएट करेगा। सो मोस्टली कुछ वाल्व जो सस्ता वाल्व उसमें ये चीज दिखता है, तो दिस इज ऑल्सो अगर एक कंसिडरेबल डिसएडवांटेज। नेक्स्ट वी कैन सी द गेट वाल्व, सो दिस इज ऑल्सो वन लीनियर मोशन वाल्व है, जहां गेट वाल्व स्ट्राइट थ्रू फ्लो वाल्व है, इट इज यूज टू कीप द प्रेशर ड्रॉप मिनिमम इन हाई प्रेशर लाइंस, जहां फ्लो लाइन का हाई प्रेशर है तो वहां उसको टाइटली शट ऑफ करने के लिए इसको ज्यादा यूज करते हैं। इसके अंदर एक डिस्क रहता है और उसके ऊपर एक आपका शाफ्ट को कनेक्ट किया हुआ रहता है, और ये शाफ्ट जो है थ्रेडेड होते हैं, साइड डायग्राम में आप देख सकते हैं, जब आप इसको रोटरी में घुमाते हैं तो वो शाफ्ट क्या करता है आपका जो गेट जो है प्लेट गेट को जो है ऊपर उठाता है, इसके वजह से आपका फ्लो लाइन ओपन होगा और फ्लो लिक्विड मूव होता है। इसके अंदर जो फ्लो लाइन में वो प्लेट को आसानी से बिठाने के लिए थोड़ा एडजस्ट को टैपर्ड करते हैं ताकि आपका क्या है प्रॉपर गाइडिंग मिले, आसानी से टाइट शट ऑफ करने में यूज हो। ओके, इस वाल्व को मोस्टली क्या है हमें शट ऑफ पर्पस के लिए, मतलब ऑन ऑफ एप्लीकेशन में ज्यादा यूज करते हैं, इसको ऑटोमेटिक कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत पूर होता है, स्पेशली जब आपने इसको पार्शियली ओपन करते हैं तो ये प्लग जो है आपका गेट जो है ये लिक्विड प्रेशर की वजह, जो मोस्टली इसको क्या हाई प्रेशर लिक्विड लाइंस में यूज करते हैं, तो वो लिक्विड प्रेशर की वजह से नीचे बॉटम में जो प्लेट है डैमेज होने के चांसेस है, और इसके अक्रॉस में जो है प्रेशर ड्रॉप जो है हेविली होता है। ओके, अगर गेट वाल को हम देखते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ये क्या करता है वाल को जो है ओपन क्लोज करने में एक तरीके से ये टाइम लेता है, अगर आप क्विकली ओपन करना है क्विकली क्लोज करना है तो नहीं चलता, एक तरीके से देखा तो डिसएडवांटेज है, लेकिन दूसरे तरीके से देखा तो ये एडवांटेज है। कैसे कि अगर जब आप इसको स्लोली ऑपरेट करते हैं सो इसके वजह से क्या होता है आपका फ्लूइड का जो हाई वेलोसिटी फ्लूइड या हाई प्रेशराइज लिक्विड क्या करता है पाइपलाइन के ऊपर हैमरिंग करता है, मतलब वाइब्रेशन क्रिएट करता है, इसकी वजह से जहां पाइप्स
लाइन जो है थ्रेडेड है, बोल्टेड है या कुछ लीकेज पार्ट्स है, वो क्या करता है, डैमेज होने के चांसेस है. अगर इसको स्लो से ऑपरेट होने की वजह से वो हैमरिंग इफेक्ट जो है कम हो जाता है या नलीफाई हो सकता है. दे नीड लॉन्ग ऑपरेशन सिंस सेटलिंग द वॉल इन द फुली ओपन एंड क्वेश्चन. ओके, गुड चॉइस फॉर ऑन ऑफ कंट्रोल. अगर जब आप इसको ओपन करते हैं, फुल फ्लो ओपन होता है और लो प्रेशर ड्रॉप होता है. और मेन एडवांटेज है ये बाई डायरेक्शनल है, ये वाल जो है बाई डायरेक्शनल. बटरफ्लाई वाल भी आल्सो बाई डायरेक्शनल में यूज करते हैं. डिसएडवांटेजेस, नॉट सुटेबल फॉर थ्रॉटलिंग एप्लीकेशंस. इट इज ओन टू द वाइब्रेशंस इन द पार्शियली ओपन स्टेट. जब आपने पार्शियली ओपन करते हैं तो वहां आपका क्या होता है, वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, इसके वजह से आपका पाइपलाइन में डैमेज करने के चांसेस है. इट इज मोर सब्जेक्ट टू सीटिंग एंड डिस्क वियर. रिपेयरिंग सच एज लैपिंग और ग्राइंडिंग आर जनरल मोर डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश. अगर इसके अंदर रिपेयर करना चाहते हैं तो लैपिंग करना है या नहीं तो एज को ग्राइंडिंग करना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोब वॉल. इंडस्ट्री में मोस्टली यूज करने वाला ऑन ऑफ वॉल्व है, और एज वेल एज लीनियर एप्लीकेशंस में भी ये काम आता है. ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस के लिए भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू योर बटरफ्लाई वॉल एज वेल एज गेट वॉल. ओके, सो इसको ग्लोब वॉल इसीलिए कहते हैं कि इसका प्लग जो है वो जस्ट एक सेमी बॉल शेप में या ग्लोब शेप में दिखता है. यहाँ आपका राइट साइड में डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे ब्लू कलर का डायग्राम है. ये जो डायग्राम जो दिखा रहा है एक स्प्लिट बॉडी वॉल्व है, जस्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो वहां आपका जो प्लग शेप जो है सेमी बॉल शेप में है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए ग्लोब वॉल्व बोल के कहते हैं. ओके, सो वॉल्व हैविंग ए गुड सीटिंग एंड लॉन्ग लाइफ बिकॉज बॉल कैन बी रोटेटेड. जहां आपने प्लग इसको रोटेट करते हैं, ये बॉल क्या होता है, आपको जाके बैठता है. इवन अगर उसके अंदर कैविटी होगा या नहीं तो उसके अंदर आपको उसके अंदर कैविटी होगा या नहीं तो आपका सिटिंग पोजीशन डैमेज हुआ तो भी ये क्या होता है, उसका सर्किल शेप जो है न्यू एरिया क्रिएट करता है. इसके वजह से क्या है, टाइट शट ऑफ होगा और लीकेज अरेस्ट करता है. मतलब आपका जो भी कैविटी की वजह से या नहीं तो डैमेज प्लग और सीट पोजीशन डैमेज होने की वजह से या नहीं तो उसके ऊपर स्केलिंग की वजह से वहां कुछ आपको बाकी सारे वॉल्स में जो है लीकेज करने के चांसेस है. ये क्या होता है, रोटेट होके नीचे जाता है तो वो क्या उस पोजीशन में कहीं नया एरिया क्रिएट करके बैठ जाता है. इसकी वजह से आपको टाइट शट ऑफ और लीकेज अरेस्ट होने का चांसेस है. इट्स फ्लो कैरेक्टरिस्टिक क्लोज टू द लीनियर. मतलब इसका फ्लो कैरेक्टरिस्टिक जो लीनियर का होता है, इसकी वजह से सिंपली कुछ फेयर कंट्रोल ऑपरेशन में भी हमें इसको यूज कर सकते हैं. ये आपको बहुत मैनुअल एंड ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक टाइप में मिलता है, अभी हमने बताया है. सो ये क्या होता है, मैनुअल ऑपरेशंस में भी मिलता है और ऑटोमेटिक ऑपरेशंस में भी मिलता है. इसका रेंजेबिलिटी बहुत अच्छा है. ये बॉल वॉल जो है, आपको बॉल जो है हमें मोस्टली स्टेम से लिफ्ट करते हैं. ओके, और ये स्टेम मोस्टली ऊपर जो है, अगर मैनुअल ऑपरेटेड वॉल होगा तो थ्रेडेड एंड होगा उससे ऑपरेट होता है. अगर आपका वॉल जो है छोटा होगा सो उसका स्टेम जो है आपका बोनेट जो है उसी के ऊपर थ्रेडिंग करके रखा हुआ रहता है. अगर आपका जो वॉल बड़ा है तो ये बोनेट को क्या करते हैं, हमें फ्लैंज इंड कनेक्शन करते हैं. ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं ये फ्लैंज इंड बोनेट है, और इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा गैसकेट्स यूज करना पड़ेगा लीकेज अरेस्ट करने के लिए, और इसको बोल्टेड करके आपको ऊपर बिठाया हुआ रहता है. ओके, सो ये बोनेट का फ्लैंज इंड से कनेक्शन करने से आपको क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर को विथस्टैंड करेगा, लीकेज को अरेस्ट करता है. घर में हम देख सकते हैं कि जो घर का टैप है छोटा होता है, कुछ दिन के बाद पानी के प्रेशर की वजह से कुछ है ऊपर से लीकेज करते रहता है, वो प्रॉब्लम ये बोनेट अगर फ्लैंज इंड होने से वो रिजॉल्व हो जाता है. So, इसका जो है वॉल जो है ओपनिंग क्लोजिंग जो है हाई सेंसिटिवली ओपन होता है. मतलब आपको फाइन एडजस्टमेंट्स भी करना है तो इसमें कर सकते हैं. जब आपका अगर ये फुल्ली ओपन करते हैं तो जो बॉल पोजीशन जो है फुल्ली ओपन हो जाता है. मतलब आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगा
फुल्ली फ्लो करने के लिए, मतलब मैक्सिमम फ्लो स्ट्रीम मिलता है तो मैक्सिमम फ्लो रेट आपको मिल जाता है। जैसे कि नीडल वाल्व जैसा आपका पूरा फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखेगा, इवन फुल्ली ओपन है तो भी। दिस वाल्व जनरली इंस्टॉल्ड विद द प्रोड्यूसिंग स्टीम डाउनवर्ड्स, अगर आपका स्टीम फ्लो होगा तो डाउनवर्ड्स में इसको फिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। इसका वाल जो इनलेट आउटलेट सीटिंग पोजीशन जो है वेंचुरी जैसा आपको प्रोविजन करता है तो फ्लो को आपको अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। हम तो इसको इंडस्ट्री में मोस्टली ऑन ऑफ कंट्रोल एप्लीकेशन में ज्यादा यूज करते हैं, मोस्टली इसको इंडस्ट्री में ऑन ऑफ, मगर आपको चाहे तो इसका आपको कंट्रोलर से भी यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सम लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ देखिए ये डायग्राम जस्ट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, जस्ट आपका फ्लो स्ट्रीम में हाई प्रेशर होगा तो ग्लोब वॉल का प्लग कैसा होता है उसको थोड़ा आपको यहाँ डायग्राम में दिखा। आप लेफ्ट साइड में देखिए, जब आपका लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होता है तो वो क्या होता है, बॉटम से जैसे आपका लेफ्ट से राइट साइड लिक्विड जाता है ऐसे इमेजिन कर लेंगे, सो वो लिक्विड जो है बॉटम से ऊपर पुश करता है तो आपका ग्लोब के ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है। अगर आपका स्टेम एरिया कम है और उसको गाइडिंग पोजीशन नहीं है तो वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लिक्विड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, वहां आपका गाइडिंग पोजीशन का स्टेम कम होने की वजह से उसके ऊपर प्रेशर आता है, प्रेशर आने की वजह से वो बेंड हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जस्ट सी दिस डायग्राम हाउ द वे द डिजाइन इज मॉडिफाइड, जस्ट आपका ग्लोब को स्टेम का पोजीशन को एक्सटेंड तक आपको एरिया को बढ़ाया गया है, इसके वजह से क्या होता है इसका प्रेशर विथस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट वाला जो है सिंगल पोर्टेड वाल्व है, जस्ट कंपैरिजन के लिए दोनों डाला हुआ है, जो नॉर्मल आपका नॉट एक्सटेंडेड ग्लोब स्टाइल होगा प्लग का उसको कंपेयर करने के लिए। ओके, सो दिस इज अ ग्लोब वाल्व। नेक्स्ट वी कैन सी द, इसको मोस्टली थ्रोटलिंग एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं, जनरल फ्लो कंट्रोल ऑपरेशंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एडवांटेजेस, ये जो है आपका ऑन ऑफ करना है सो गेट वॉल से भी फास्ट से कर सकते हैं, दैट इज द वन एडवांटेज है, और लेस वियर टियर होता है। इसके अंदर प्रेशर ड्रॉप जो है कम होता है, ये वन इज द मेन एडवांटेज इज थ्रोटलिंग एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है। सो जैसा आपका बटरफ्लाई वाल्व नॉट सुटेबल है, गेट वाल्व भी अगर पार्शियल ओपन में है तो थ्रोटलिंग एप्लीकेशन के लिए अच्छा नहीं होता है, और इसको फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ करने में भी बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब क्विक ओपन एंड क्विक क्लोज करना है विदाउट लीकेज, सो आपको ये वाल्व मोस्ट सुटेबल है। दैट्स व्हाई इंडस्ट्री इज प्रेफरिंग मोस्टली दिस वाल्व। जैसा बटरफ्लाई वाल्व देखते हैं तो उसको क्या है क्विकली ऑन ऑफ कर सकते हैं, मगर क्या है लीकेज का प्रॉब्लम है। गेट वॉल टाइट शिट ऑफ करेगा, हाई प्रेशर को हैंडल करेगा मगर क्विकली ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, दैट इज द वन डिसएडवांटेज। सो दिस ग्लोब वॉल हैविंग द बोथ एडवांटेजेस, थ्रोटलिंग एप्लीकेशन के लिए भी काम करता है, क्विकली ऑन ऑफ कर सकते हैं, लीकेज को भी अरेस्ट कर सकते हैं। ओके, और सेकेंड चीज इजी टू रिपेयर। ओके, नाउ वी कैन गो फॉर द डिसएडवांटेजेस। हाई प्रेशर ड्रॉप, नो डाउट, टाइट शट ऑफ करता है तो आपको इनलेट आउटलेट को क्लोज करके रखता है तो जो भी है तो नो उसके अंदर हाई प्रेशर ड्रॉप होता है, दिस इज द बेसिक रिक्वायर्ड कंसिडरेबल पावर टू ऑपरेट, मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए आपको जैसा स्मॉल क्लोजिंग है तो ओपनिंग क्लोजिंग करना है तभी थोड़ा आपको है मतलब पावर जरूरत पड़ता है, तो गियर लीवर मैकेनिज्म इसमें मोस्टली दिखाया जाता है, या नहीं तो आपको ऊपर न्यूमेटिक अरेंजमेंट या नहीं तो मोटराइज्ड अरेंजमेंट ज्यादा दिखता है। ओके, साइज में हेवी होता है, मोटा होता है। ओके, और ये जो वॉल्व जो है बाकी सारे वॉल्व से देखा तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा क्रिटिकल होता है, इसके वजह से क्या है बोनेट अरेंजमेंट वगैरह और आपका स्टेम का पोजिशन, ग्लाइडिंग लीकेज अरेस्ट के लिए ग्लैंड्स वगैरह यूज करते हैं, गैसकेट्स यूज करते हैं, सो इसका
कंस्ट्रक्शन थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, तो इसके वजह से क्या है, इसका कॉस्ट भी बाकी सारे से कंपेयर करेगा तो महंगा पड़ता है, मगर टाइट शट ऑफ मिलेगा और एज वेल एज फाइन एडजस्टमेंट भी मिलेगा। जैसे कि आप ऑन ऑफ करना है तो सिंपली ओनली ऑन करना है, ऑफ करना नहीं है। अगर आपको पार्शियली कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है फ्लो स्ट्रीम में, सो दिस इज अ गुड चॉइस। दैट्स व्हाई इंडस्ट्री इज प्रेफरिंग ग्लोब वाल्व मोस्टली। ओके, नाउ वी कैन गो फॉर द बॉल वाल्व। ये तो हम ज्यादा से ज्यादा हमारा घर में और छोटे मोटे हमारा लैब्स में भी देखा जाता है। ओके, बॉल वाल्व नाम पे ही है ये, ग्लोब वाल्व से बॉल वाल्व थोड़ा डिफर्ड है। वहां आपका प्लग शेप जो है ग्लोब शेप में रहेगा, बट नो इनर थ्रू होल। मगर यहाँ जो है आपका प्लग जो है बॉल शेप में रहता है और आर पार में इसको होल किया गया हुआ रहता है। ये रोटरी मोशन वाल्व है, मतलब इसको आपको रोटरी मोशन में ऑपरेट करना है। ग्लोब वाल्व मोस्टली लीनियर मोशन में होते हैं। ओके, और जो ये बॉल शेप में इसका डिस्क होने की वजह से इसको बॉल वाल्व बोल के हमें कहते हैं। ये वाल्व को हमें मोस्टली क्या है, ऑन ऑफ कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ जितने भी वाल्व हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे ऑन ऑफ कंट्रोल एप्लीकेशन के ऊपर कंसिडर करते हुए एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपका जो लीनियर मोशन क्विक ओपनिंग एंड इक्वल परसेंटेज वाल्व जो है इस नेक्स्ट सेशन में हमें डिस्कस करेंगे। जस्ट यहाँ हम देख रहे हैं जस्ट ऑन ऑफ कंट्रोल वाल्व के बारे में ज्यादा देख रहे हैं। इस वाल्व के अंदर आपने ऑन ऑफ करना है तो जस्ट क्वार्टर टर्न भी टर्न करते हैं तो वाल्व जो है बंद कर देता है, पूरा फ्लो लाइन को स्ट्रीम को बंद करता है। ये तो हमारा एक्सपीरियंस है, घर हमारा फील्ड में यूज करते वक्त आपको आइडिया होगा। घर में भी आपका जहाँ फ्लो लाइन में होगा बीच में आइसोलेट करने के लिए लगा हुआ रहता है, वहां बॉल वाल्व भी ज्यादा रहता है। ओके, और एक एडवांटेज ये है टाइट शट ऑफ देगा। सेकेंड चीज क्विक ऑन ऑफ करने के लिए एडवांटेज है, क्योंकि आपको ऑन करना ऑफ करना है तो क्वार्टर पोर्शन मतलब 25 डिग्री आप टर्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और टाइट शट ऑफ करेगा। ओके, इसके अंदर अगर आपका लो टेम्परेचर एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं तो मोस्टली अंदर जो सीटिंग्स जो होते हैं सॉफ्ट सीटिंग्स यूज करते हैं, लेकिन मतलब जैसे प्लास्टिक है, रबर है, इस टाइप ऑफ सीटिंग्स उसके अंदर अरेंज किया हुआ रहता है। लेकिन अगर आपने हाई टेम्परेचर का हाई प्रेशर का यूज कर रहे हैं सो देन दैट बाल्व का जो सीटिंग्स जो होते हैं मेटल का यूज करते हैं, जहां आपको हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड करना है। सॉफ्ट सीटिंग्स जो है थ्रोटलिंग एप्लीकेशन के लिए अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि ये आप अगर आपने थ्रोटलिंग एप्लीकेशन हाई प्रेशर फ्लो लिक्विड्स आता है थ्रोटलिंग आता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, टूट जाएगा या डैमेज होने का चांसेस है। सो आपका ये जो सीटिंग अरेंजमेंट सीटिंग मटेरियल्स कौन सा यूज करना है वो डिसाइड करता है आपका टेम्परेचर और लिक्विड का प्रेशर। अगर आपका लिक्विड प्रेशर हाई है टेम्परेचर ज्यादा है तो मेटल सीटिंग्स यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाता है, नहीं कॉस्ट कम करना है। अगर आपका लिक्विड प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर नहीं है और प्रेशर नहीं है सो देन सॉफ्ट वाला सीटिंग्स यूज करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है ये आपका कॉस्ट कम कर देता है। ये पानी का फ्लो लाइन में अगर फुल्ली ओपन है तो रिस्ट्रिक्शन पूरा कम रहता है, मतलब मैक्सिमम फ्लो चले जाएगा और आपको मेजर स्लरिश पार्टिकल्स को भी ये आसानी से हैंडल करता है। हजार्ड और करोजिव लिक्विड्स के अंदर भी ये अच्छे से काम करता है। बाजू में डायग्राम में आप देख सकते हैं एक बॉल वाल्व है क्लोज पोजीशन में, जैसे ब्लू कलर जो है आपका लिक्विड है, वाल्व इन क्लोज पोजीशन में है। जैसे आपका वाल्व टर्न है तो यहाँ देखिए होल अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके वजह से क्या है आपका लिक्विड नहीं जा रहा है। यहाँ जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है दैट इज सीटिंग्स है, जो ये सीटिंग्स के बारे में हमें डिस्कस किया था अभी, ताकि आपका टाइट शट ऑफ कैसा हो सकता है। ओके, नाउ वी कैन गो फॉर द बॉल वाल्व का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। सो मेंटेन इसको ऑन ऑफ कंट्रोल एप्लीकेशंस में ज्यादा यूज करते हैं। हाई फ्लो लाइन मतलब लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है और ज्यादा वॉल्यूम का फ्लो है, हाई टेम्परेचर है तो भी इसके अंदर डिजाइन्स अवेलेबल है, मतलब आपको बहुत सूटेबल है। लो फ्लो स्ट्रीम के लिए भी सूटेबल है, हाई फ्लो स्ट्रीम के लिए भी सूटेबल है। जैसे बटरफ्लाई वाल्व है हाई फ्लो स्ट्रीम के लिए सूटेबल नहीं है,
ओके, गेट वाल जो है हाई फ्लो स्ट्रीम के लिए बहुत अच्छे से सुटेबल है, ये दोनों के लिए सुटेबल होता है। मेन ये सस्ता है, ओके, इसका टार कम लगता है और प्रेजर ड्रॉप दोनों के तरफ जो आप इनलेट आउटलेट के बीच में अगर प्रेजर ड्रॉप देखते हैं तो बहुत कम होता है। मेंटेनेंस भी बहुत कम है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा मोबल पार्ट्स नहीं रहता है। सीधा आपका जो बॉल है उसको हमें एक फ्लैंज से ऊपर से थ्रेड करके रोटेट करते हैं और सिर्फ ग्लैंड्स रहता है जो लीकेज अरेस्ट करने के लिए, ओके, टाइट शटअप देता है। और मोस्टली जो ऐसा बॉल टाइप का है तो उसको लुब्रिकेशन लगता है बोलते हैं, लेकिन आपका जो फ्लो लिक्विड के अंदर यूज करते हैं वही उसको सेल्फ लुब्रिकेट जैसा काम करता है। तो इसके स्पेशली कोई लुब्रिकेट हमें फीड करना या अरेंजमेंट करने को जरूरत नहीं है। लो टार्क में भी टाइट शटअप देता है, कैन बी यूज्ड फॉर थ्रोटलिंग सर्विसेज, मतलब आपका वाइब्रेटेड और हेवी फ्लो लिक्विड से तो थ्रोटलिंग एप्लीकेशन के लिए भी ये चलता है। स्लरिश पार्टिकल्स होगा उसके लिए भी चलता है। और एक सेकेंड चीज, इसका सीलिंग बहुत अच्छा होने की वजह से वैक्यूम सर्विसेज के लिए भी ये बहुत अच्छे से चलता है। मतलब अगर जहां वैक्यूम पाइप स्ट्रीम्स है वहां आपका टाइट सेट ऑफ करने लीकेज करने के चांसेस है, यानी तो मेरे को वैक्यूम प्रॉब्लम देगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो लीकेज एप्लीकेशंस में भी इसको हमें यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देखा तो थोड़ा थ्रोटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसका अच्छा नहीं है, डिफिकल्ट टू क्लीन, लीड टू कंटामिनेट, जैसा ये जो बॉल जो है डायरेक्टली आपका फ्लो स्ट्रीम को कनेक्टेड है तो करोजिव लिक्विड्स हाई टेम्परेचर लिक्विड्स भेजते हैं तो वो बॉल को डैमेज करने का चांसेस हो सकता है। नेक्स्ट वी कैन सी द नीडल वाल। नीडल वाल जो है नाम पे ही आप सुन सकते हैं, इसका प्लग जो है आपका राइट साइड में देख सकते हैं, जहां प्लग जो है इट इज नीडल शेप में रहता है। इसको फाइन फ्लो एडजस्टमेंट में ज्यादा यूज करते हैं, इसको जहां फ्लो को एडजस्ट करना है, गैसेस को एडजस्ट करना है, ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इनको हमें जहां डिफिकल्ट गेजेस होता है, जहां प्रेजर थोड़ा भी आप बढ़ाएंगे या थोड़ा भी चेंज उसके उसका रेटेड प्रेजर से या रेटेड प्रेजर से थोड़ा भी एक्सेस प्रेजर दे देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, ये डैमेज होने वाला है ऐसा गेजेस है। उस पोजीशन में क्या है, अगर दूसरा कोई भी वाल्व यूज करते हैं क्योंकि उसका ऑपरेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स रगली होते हैं, जैसे आप थोड़ा भी खोलते हैं एक्सट्रीम फ्लो चले जाता है, इसके वजह से क्या वो डैमेज होने के चांसेस है। अगर छोटे हल्का हल्का सा एडजस्ट करके उसका आपको प्रेजर अप्लाई करना चाहते हैं तो नीडल वाल्व इज द बेस्ट सुटेबल है। इसको मोस्टली नीडल वाल्व्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द एंड ऑफ द वर्क साइकिल वेयर द डिजायर्ड फॉर मोशन टू बी ब्रॉड स्लोली टू हॉल्ट। मतलब अगर जहां भी आपका फ्लो लाइन में स्लो से हाई प्रेजर से या हाई फ्लो स्ट्रीम से स्लो से उसको धीरे धीरे से घटाते जीरो करना चाहते हैं, then this is also very good one, because it is having a precision adjustments, okay? और small rate of flow इसके अंदर हमें set कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे flows को आराम से adjust कर सकते हैं, set कर सकते हैं, because of needle moment. Advantages, next इसमें है advantages है, control flow at low rates, मतलब छोटे छोटे flows को हम control कर सकते हैं, साइज में छोटा होता है और टाइट सेटअप और बेटर एप्लीकेशन होने की वजह से थ्रोटलिंग एप्लीकेशन के लिए भी बहुत अच्छे से करता है। मेन फ्लो रेट को आपको जितना फाइन से एडजस्ट कर सकते हैं ना इसमें, कि बाकी सारे वाल से इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है बहुत फाइन से होता है। इसको अगर हॉट वाटर का हीटिंग सिस्टम में और कंट्रोल सिस्टम में ब्लीडर जैसे यूज करना है तो इस वाल से अच्छा कोई नहीं है, ओके, और ये टाइट शट ऑफ भी करेगा और लीकेज को भी कम करता है, लीकेज भी नहीं करता है, ओके, इजी सेटअप एंड टाइट शटअप। डिसएडवांटेज तो ये इतना फाइन एडजस्टमेंट होना और फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड होना, इनलेट आउटलेट को फुल्ली आइसोलेट करना, मतलब इट इज हैविंग अ मोर प्रेजर लॉस, मोर प्रेजर ड्रॉप, प्रेजर लॉस भी है और प्रेजर ड्रॉप भी करता है। यूजुअली ओनली फॉर लो फ्लो रेट के लिए सुटेबल है, ओके, यूजफुल ओनली फॉर द लो फ्लो रेट ड्यू टू द स्मॉल फ्लो पाथ, मतलब स्मॉल फ्लो पाथ होने की वजह से ये लो फ्लो रेट के लिए ही चलता है, ओके, नॉट गुड फॉर स्लरिश फ्लूइड्स, स्लरिश फ्लूइड्स इसके अंदर भेजते हैं, नीडल के अंदर फंस गया तो ये काम करेगा नहीं। वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोजिशन डिफिकल्ट
फाइंड बाई द एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। अगर ये बाकी वाल्व को हम देखते हैं तो स्टेम ऊपर है नीचे है, जैसे बटरफ्लाई वाल्व है तो आपको रोटेशन देखते हैं 90 डिग्री में है या 180 डिग्री में है, उसको देखेंगे तो उससे वो क्लोज है वो अपने हमें पहचान सकते हैं। गेट वाल्व भी स्टेम ऊपर पोजीशन नीचे देखते हैं तो वो अपने या क्लोज है चेक कर सकते हैं। मगर निडिल वाल्व में आपको इतना रोटेशन होते हैं कि ये कितने ओपन है क्लोज है इसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। नेक्स्ट वी कैन सी द चेक वाल्व। नाम पे ये चेक वाल्व बोले तो चेक वाल्व अलाउस ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन। चेक वाल्व क्या करता है, फ्लो को वन डायरेक्शन में ही अलाउ करता है। अलाउस फ्लो इनली वन डायरेक्शन और यूज टू रिस्ट्रिक्ट फ्लो इन, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो आपको अलाउ करता है, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो को बंद करके रखने के लिए इसको यूज करते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा बटरफ्लाई फ्लॉप रहेगा, यानी तो एक डिस्क रहेगा जो आपका पाइपलाइन का डायमीटर का साइज में रहता है। ये क्या करता है, फ्लो लाइन में फ्लॉप होके एक डायरेक्शन में फ्लो जाने के लिए एक डायरेक्शन में फ्लो को बंद करने के लिए ज्यादा दिखता यूज करते हैं। ये आपको मोस्टली पंप्स के साथ या कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइपलाइंस के साथ आपको ज्यादा दिखता है। पंप में जैसा आपको और कंप्रेसर्स में ये जो है एक ही डायरेक्शन में एयर को फ्लो करना है, दूसरे डायरेक्शन से रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि प्रेशर बिल्ड करता है तो वो ड्रॉप ना होने के लिए चेक वाल्व टाइप अरेंजमेंट को हमें ज्यादा यूज करते हैं। सो अगर इसको वर्किंग देखा जाता है तो यहाँ देखिए ये जो फ्लो जो है इसका एक डायरेक्शन में जाता है। बाजू में आप देख सकते हैं राइट साइड में एक लिफ्ट चेक वाल्व है जहां आपका इसको नीचे से फ्लो आएगा तो जो लिफ्ट जो है, मतलब ये डिस्क जो है लिफ्ट होता है तो ये ऊपर जाएगा। स्प्रिंग अरेंजमेंट का अगेनेस्ट में आपका फ्लो रेट होगा तो ये ओपन होके लिक्विड चले जाता है। अगर दूसरे डायरेक्शन में आता है तो आपका स्प्रिंग का फोर्स का डायरेक्शन और लिक्विड का फोर्स डायरेक्शन एक होने की वजह से, डाउनवर्ड्स होने की वजह से, ये क्या करता है डिस्क को क्लोज मोड में रखता है। सिमिलरली नीचे देखते हैं तो जहां फ्लो में एक फ्लॉप है तो आपका राइट साइड से फ्लो होगा तो दैट फ्लॉप जो है डिस्क चेक फ्लॉप जो है ये ओपन होता है। जैसा आपका लेफ्ट साइड से लिक्विड आएगा तो चेक वाल्व जो है वो क्लोज रहेगा। ओके सो इसके अंदर जो है चेक वाल्व का जो मूवमेंट जो है हमें मोस्टली बाय वेट मैकेनिज्म से, बैक प्रेशर मैकेनिज्म से, स्प्रिंग मैकेनिज्म से हमें, या नहीं तो इन सारे में कोई भी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। नीचे वाला देखते हैं तो ये वेट मैकेनिज्म विद वेट मैकेनिज्म विथ ग्रेविटी अरेंजमेंट है। इसके वजह से जो भी आपका लिक्विड एक तरफ से आता है तो उसके वेट की वजह से कुछ भी फ्लो नहीं होगा तो डाउनवर्ड्स में रहेगा ग्रेविटी की वजह से। जब आपका लिक्विड फ्लो आएगा तो ग्रेविटी के अगेनेस्ट में आपका जो अगर लिक्विड फ्लो फोर्स होगा तो वो क्या होता है डिस्क खुल जाता है। ऊपर वाले में लिफ्ट चेक वाले में देखते हैं तो इसका स्प्रिंग अगेनेस्ट में है। जैसा आपने लिक्विड नीचे से आता है तो स्प्रिंग फोर्स से आपका लिक्विड फोर्स ज्यादा होगा तभी आपका डिस्क खुलेगा। अगर स्प्रिंग फोर्स से आपका लिक्विड फोर्स कम होगा तो डिस्क नहीं खुलता है। जब आपका राइट साइड से लिक्विड आएगा, ऊपर वाला डायग्राम में राइट साइड से लिक्विड आएगा सो वो वाला जो है ऊपर से आएगा और वो क्या करता है स्प्रिंग का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और लिक्विड का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। सो दोनों डाउनवर्ड्स होने की वजह से वो डिस्क को उल्टा क्लोज करता है। मतलब आपका राइट साइड से लिक्विड इसमें फ्लो नहीं होगा, लेफ्ट साइड से लिक्विड फ्लो होता है। ओके यहाँ टाइप्स ऑफ चेक वाल्व एग्जिस्ट व्यू के लिए डाला हुआ है। आप देख सकते हैं चेक वाल्व हमें मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री में चार प्रकार का यूज करते हैं, स्विंग चेक वाल्व, टिल्टिंग डिस्क चेक वाल्व और एक है पिस्टन चेक वाल्व और टॉप चेक वाल्व बोल के आपको मिलता है। सो पहले जो है स्विंग चेक वाल्व है जहां आपका डिस्क वेटेड होता है वो नीचे जस्ट एक शाफ्ट के ऊपर स्विंग होते रहता है। ओके और टिल्टिंग चेक वाल्व जो है इसका सेंटर में आपको शाफ्टिंग किया हुआ रहता है, ये टिल्टिंग होते रहता है। लिक्विड एक तरफ से आएगा तो ये टिल्ट ऊपर खुलेगा, जब दूसरे तरफ से आता है ये टिल्टिंग मोमेंट जो है उसको क्लोज करके रखता है, इसको एक थोड़ा एंगल पे बिठाया हुआ रहता है। नीचे वाला आता है तो पिस्टन लिफ्ट चेक वाल्व है, ये स्प्रिंग लोडेड है। जब अभी तक इसके वर्किंग ही हमें डिस्कस कर रहे थे, नीचे से लिक्विड आता है तो ये स्प्रिंग का अगेनेस्ट में फोर्स होने, लिक्विड फोर्स होने की वजह से ये वाला जो है ऊपर खुलता है, और जब आपका लिक्विड राइट साइड से आता है तो स्प्रिंग का डायरेक्शन
एक्टिंग डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है और लिक्विड का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो वो क्या करता है, क्लोज करता है। स्टॉप चेक वाल्व है, ये मैनुअल ऑपरेटेड वाल्व भी है। जैसे आपका लिक्विड इस तरफ से आता है, यहाँ एक डिस्क रहेगा, आप राइट साइड में सिटिंग पोजिशन में एक डिस्क रहता है, ये थोड़ा ट्रडल होता है, लिक्विड इसके अंदर से एंटर करेगा तो ये ऊपर लिफ्ट करेगा। लेकिन जब आपका लिक्विड अपोजिट साइड में आता है तो वो क्या करते हैं, नीचे स्टॉप करेगा। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इस पोजीशन को। सो दिस इज स्टॉप चेक वाल्व। सॉरी, डायग्राम से एक बार देख लीजिए, मैंने टाइप्स ऑफ चेक वाल्व्स यहाँ बोल रहा था, एक स्विंग चेक वाल्व, टिल्टिंग चेक वाल्व, पिस्टन चेक वाल्व, स्टॉप चेक वाल्व है। ओके, और लिफ्ट चेक वाल जो है 2 इंच साइज के नीचे है तो उसको यूज करते हैं। स्विंग चेक वाल जो है बड़ा बड़ा पाइपलाइंस होगा तो उसको यूज करते हैं। यहाँ पहले वाला जो स्विंग चेक वाल है, लिफ्टिंग चेक वाल, बल चेक वाल, इधर जो पिस्टन सेकंड वाला डायग्राम में दिख रहा है, ये 2 इंच का पाइपलाइन के नीचे होगा तो ये दिखता है। अगर उससे बड़ा पाइपलाइन है तो आपका स्विंग चेक वाल ज्यादा दिखता है। वर्किंग में देख सकते हैं चेक वाल कैसा काम करता है। पहले वाला ओपन पोजिशन में है, दूसरा वाला क्लोज पोजिशन में, मगर लिक्विड प्रेशर कम है तो, मतलब यहाँ देखिए, जब आपका लिक्विड फोर्स ज्यादा है तो सिंपली चेक वाल पूरा टर्न हो गया, पहले वाले में निकल गया है। दूसरे वाले में देखते हैं तो फ्लो रेट कम है तो इसके ग्रेविटी की वजह से वो क्लोज पोजीशन में। तीसरा वाला अपोजिट पोजीशन में है तो चेक वाल खुल रही नहीं है। ओके, अभी अगर आपको किसी को डाउट्स है तो आप लोग आपका चार्ट अगर किसी का डाउट्स है और कुछ समझ में नहीं आया तो आपने चैट में मैसेज कर सकते हैं। We have 5 minutes time, so we can discuss the any doubts. Anybody having the doubt? PPT मिल जाएगा, अगर आपको चाहे तो मेरे को पर्सनल, मेरे नंबर है आपको मीटिंग में, उसमें आप ले सकते हैं। रिपीट करने में इधर टाइम नहीं है। दो नंबर वाल्व आपने जो पूछ रहे, गेट वाल्व के आई थिंक सो डायफ्राम वाल्व में, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पिंच वाल्व है। पिंच वाल्व में टोटल पिंच वाल में पूरा रबर ट्यूब रहता है और डायफ्राम वाल में आपका जस्ट प्लग पोजीशन एक ही इलास्टिक मटेरियल रहता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल रहता है। किसी ने बटरफ्लाई वाल के बारे में पूछ रहे तो क्या बटरफ्लाई वाल के पे क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हैं। टाइप ऑफ चेक वाल्स आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट में दिखाया था, एक बार देख लीजिए। हियर वी हैव द 4 टाइप्स, स्विंग चेक वाल्व, टिल्टिंग चेक वाल्व, पिस्टन चेक वाल्व, स्टॉप चेक वाल्व बोल के। डायग्राम आप देख सकते हैं ऊपर। ओके ओके, थैंक यू। अगर आप किसी को, मेरा नंबर है, अगर आप किसी को चाहे तो मेरे नंबर पे आपने पर्सनली क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस सेशन मैंने सोचूंगा कि आप लोगों को सबको समझ में आया। देखते हैं कल से, मैं सोच रहा हूँ कि कंट्रोल वाल का बाकी टॉपिक्स भी, I2P और वाल पोजिशनर भी कंप्लीट करने के लिए, और आगे से रेगुलरली मैं ट्राई करूंगा कि सारे क्लासेस फीड करने के लिए। सो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। वीडियो जो है आपको निमी का यूट्यूब पोर्टल में मिल जाएगा, अगर आप वहां से भी ले सकते हैं, उन लोग अपलोड करने के बाद आप कभी भी देख सकते हैं। अगर आप ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। मेरा नंबर, मोबाइल नंबर 9969190643।
will send you know the schedule for next of the for the following days. Sir? Okay. और किसी को डाउट्स है? नेक्स्ट क्लास मोस्टली कंट्रोल हॉल का और इसके बारे में ज्यादा ध्यान देंगे, कंट्रोल सिस्टम का एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन का, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि आपको मोस्टली वीडियोस वगैरह नहीं मिलता है. मेरा अगला क्लास होगा आईटीपी और वॉल पोजिशनर के बारे में. अभी मैंने तो कल के लिए भी डाल के रखा हूँ, अगर निमी का क्लास मिलेगा तो आपको मिल जाएगा. ओके, थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन. मेरा फोन नंबर ऑलरेडी बोला है, फिर भी यह चार्ट में दे रहा हूँ, ले लीजिए. नंबर मैंने चार्ट में डाला है, ले सकते हैं. एक्चुअली मैं मोबाइल से फीड कर रहा हूँ तो स्टिक यूज नहीं हो पाएगा, मेरा नेट जो है लैपटॉप से कनेक्ट नहीं था. नेक्स्ट टाइम आई विल होप यू, मैं ट्राई करता हूँ पीपीटी से प्रेजेंट करने के लिए. ओके. Sir, I'll go ahead and end the meeting now, sir.